गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और बज रहे हैं 8:05, और मेरे बाबू को अभी तक नींद आ रही है, और उनको भी दिखाती हूँ मैं। छोटे बाबू को लेके पड़ी है, मैंने 5:30 बजे उसे दे दिया था। मैंने कहा इसे पकड़ो, और क्योंकि हर घंटे में उठ रहा था 12 बजे से कल, और मुझे इतनी गहरी नींद आ रही थी, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। मैंने इसे 5:30 बजे उठाया, मैंने कहा इसे तू सुला ले अब। क्यों, क्या हो रहा था तुझे रात को? इसको बहुत कम जगह मिलती है, इसको थोड़ा हैवी बॉडी है ना इसकी, शरीर तो मोटे लोगों को थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है स्पेस, तो इसको इस पलंग पे जगह कम पड़ती है, तो रात को सो नहीं पाया ये। और वो देखो कैसे खर्राटे भर रहा है, खर्राटे तो नहीं भर रहा, भर रही है। उसे लड़का बनने का कोई शौक नहीं है, उसे लड़की बनने का शौक है। और ये जो है लड़का बनना चाहती थी, अब लड़की बनना चाहती है। और हम जा रहे हैं अपने किचन में, गुड मॉर्निंग किचन के साथ ही होती है, और मैं इनके लिए बना रही हूँ आलू के पराठे। अब आलू को मतलब आलू निकालूंगी, ठंड में पानी से धोऊंगी और आलू के पराठे बनाती हूँ। तो बस किचन में आलू के पराठे बनाने की तैयारी, आलू रख दिए मैंने और बस अपने काम में लग गई हूँ अब मैं। तो मैंने आटा गूंद दिया है, और आलू के पराठे के लिए आलू भी उबल जाएंगे थोड़ी देर में। और मेरा बाबू आवाज लगा रहा है। हाँ माऊ देखना है? अरे हमने तो इसमें पराठे का वीडियो भी नहीं बनाया, आपको माऊ देखना है? ठीक है चलो, अब ये माऊ देखेगी। तो आलू के पराठे मैंने रेडी कर लिए, थोड़ा टेढ़ा बना है, और चाय भी बन चुकी है। लाइट नहीं है, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है। दिखा रही हूं मैं कि आलू के पराठे बनाए मैंने। और उनको तुम ग्रहण कर रहे हो कि मेरे बन चुके हैं, प्रूफ दिखा रही हूं मैं कि मैंने बना चुकी हूं मैं। तो बस अब अपना चाय नाश्ता बनाऊंगी। तो अब 11:15 हो गए हैं, और मैं झाड़ू पोछा लगा रही हूँ। मेरा बाबू सोया हुआ है, जब तक एक एक कमरे में मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, और यहाँ कपड़े भी धुल रहे हैं मेरे मशीन में। कितने कपड़े हो रखे, मैंने 3 दिन से नहीं धोए, तो बहुत ज्यादा कपड़े हो गए। ये मशीन खुद ही धो लेती है। तो साथ के साथ मल्टीटास्किंग कर रही हूँ आज, झाड़ू पोछे के साथ और एक मेरी मशीन में कपड़ा कपड़ा ऊपर आ जाता है ना, मैंने प्लेट नहीं लगाई तो ऐसी आवाज आने लगती है। तो यही रोक देती हूँ, काम जारी रहेगा हमारा अभी। तो 2:30 बज गए आज, काम करते करते बहुत ज्यादा कपड़े थे, नए साल से पहले नहीं धुले और नए साल पे नहीं धुले, आज के कपड़े इतने ज्यादा हो गए थे कि बहुत ज्यादा। छोटी अभी सो रही है, ये दोनों बैठे हैं, और मैंने वही एक आलू का पराठा बना के दोबारा खा लिया, और मेरा लंच भी फिनिश। ये थोड़े बहुत बर्तन ना रह ही जाते हैं किचन में, ठंड में ना मुझे बहुत वो लगता है कि अभी तो इतना सारा काम मतलब खत्म भी नहीं हुआ है, और ये जगह जगह बर्तन हैं। हाँ मच तो जाएंगे, पर जगह जगह फैले रहते, तो ऐसे लगता है काम फैला फैला सही है, हुआ नहीं है। तो बस आज का आधा दिन ऐसे ही निकल गया हमारा। और मेरे बाबू क्या गल्ला है ये? माँ छोटा बाबू का गल्ला ये राघव, ये राघव क्या गल्ला है? ये क्यूटी बाई सा, ये क्यूटी बाई जा,
आई मैं क्यों थी भाई, नहीं चॉकलेट क्या कर रही है ये, क्या देख रहा है अपने आप को, अपने आप की शक्ल देख रहा है कि कैसा लग रहा हूँ कैमरे में। देखो कैमरा साफ नहीं आ रहा है, कैमरा साफ ही है, लाइट थोड़ी हमारी ना इस कमरे में कम है, इस वजह से ऐसा लगता है। मेरी शक्ल आप उठ गए, आप उठे नहीं ईशा, ईशा तो मैं कहीं खो गई, टीवी में खो गई मैं। तो बस हमारा जो है आज का काम तो फिनिश हो गया है, इतना ही हमारा दिन गया, आलू के पराठे खाओ आके। तो आज का ब्लॉग तो मैं शॉर्ट ब्लॉग डाल रही हूँ, यहीं समाप्त करती हूँ, कल फिर मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में। बाय 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 बाय।